भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट 21 फरवरी से शुरू हो रहा है और उससे पहले जो भारत की ए टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई है, न्यूजीलैंड ए के साथ जो मुकाबला हुआ उसमें कई भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने उतरना है अभी पहले टेस्ट मैच में, जो संभावित दावेदार हैं प्लेइंग 11 के, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया और उसमें शुभमन गिल को आपने देखा कि उन्होंने सेंचुरी बनाई, 136 रन बनाए और उसके बाद अगले दिन एक और भारत की ओर से सेंचुरी देखने को मिली। अजिंक्य राणे ने भी सेंचुरी अपनी पूरी की, मुकम्मल की, 101 रन पर वो नॉट आउट रहे। 148 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 15 चौके लगाए और एक छक्का लगाया और उसके अलावा चेतेश्वर पुजारा ने 53 रन की शानदार पारी खेली और पुजारा के अलावा विजय शंकर, हालांकि वो भारतीय टीम में नहीं है लेकिन उन्होंने भी 66 रन बनाकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। और वहीं अगर हम गेंदबाजी की बात करें, इससे पहले जो 81 रन की भारत को बढ़त हासिल हुई पहली पारी के आधार पर, तो उसमें आर अश्विन ने 96 रन देकर दो खिलाड़ियों को आउट किया। तो जाहिर सी बात है कि खिलाड़ी अपने पूरे शबाब पर हैं, अच्छी फॉर्म में हैं और टीम प्रबंधन के लिए जब ये दुविधा पैदा हो जाए कि किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं, तो वो बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। और हम अजिंक्य रहाणे के बारे में हम आपको बता दें कि जो पिछली 4 टेस्ट पारियां उन्होंने खेली हैं उसमें उनकी एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में सेंचुरी है और उसके अलावा उन्होंने 3 लगातार हाफ सेंचुरी बनाई, यानी 3 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी पिछली 4 पारियों में। और इस वक्त अपने करियर के बहुत अच्छे शबाब पर, पूरे शबाब पर वो दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए अजिंक्य रहाणे का बल्ला इसी तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ भी दहाड़ेगा और जैसे पुजारा ने 53 रन बनाए, उनका पुजारा का भी उन्हें अच्छा साथ मिलेगा और भारत जो है वनडे क्रिकेट की जो हार है, वनडे क्रिकेट की जो सीरीज भारत ने गंवाई है उसका बदला टेस्ट में ज़रूर चुकाने में कामयाब रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।